कॉम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं

पेरिफेरल्स कहलाते तो पेरीफेरल्स सुनकर आपको डरना नहीं है ओके पेरीफेरल्स वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑल दी कंपोनेंट्स एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ना आर नोन एज पेरीफेरल्स ऑफ कंप्यूटर फाइन अब इसमें कौन से डिवाइसेस आते हैं और कौन से डिवाइसेस नहीं आते हैं में में यदि ऐसा आपके माइंड आता है तो बहुत ध्यान से समझना कि कंप्यूटर सिस्टम तीन बेसिक यूनिट से मिलकर बना है ठीक है इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट है ना ये तीनों यूनिट का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट इनपुट यूनिट इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है और स्टोरेज यूनिट डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है तो प्रोसेसर भी स्टोरेज यूनिट से डेटा को प्रोसेस करने के लिए लेता है राइट सो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज यूनिट ये तीनों यूनिट मिलकर

जानते हैं ओके सो अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर यूनिट्स दैट कैरी आउट इट्स प्राइमरी फंक्शन इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट देर आर मेनी अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर डायरेक्टली एंड एड फंक्शनैलिटी टू इट ओके सो दीस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस इन्हीं डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं अब डेफिनेशन आएगी तो आराम से लिख कर आ सकते हो राइट right? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस रिफर्स टू ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर एंड आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो ओके okay. और कनेक्ट करने के बाद में वो कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल कर रहे हैं आपका जो इनपुट है आउटपुट है स्टोरेज है उसको मेंटेन कर रहे हैं ओके okay? सो so वो क्या कहलाते हैं आपके पेरिफेरल्स बट दे आर नॉट द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर यह कंप्यूटर के कोर कॉम्पोनेट नहीं होना चाहिए लाइक सीपीसर मदर बोर्ड पावर सप्लाई आपके पेरीफेरल्स में नहीं आते हैं तो पेरीफेरल्स में कौन से डिवाइस आ गए स्टोरेज ओके सो पेरीफेरल यदि देखा जाए तो इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है पेरीफेरल डिवाइसेज आर क्लासिफाइड एज थ्री है ना फर्स्ट क्या हो गया इनपुट डिवाइस सेकेंड आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड इज स्टोरेज डिवाइस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं डिवाइस को डिटेल में समझा था राइट सभी ने वीडियोस देखी हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस डिस्कस किए थे कीबोर्ड, कीबोर्ड आपने देखा था माउस देखा था लाइट पेन जॉयस्टिक

चैप्टर में हमें इन्हीं डिवाइसेस को डिटेल में समझना है जहां पे कंफ्यूजन होता है है ना हमें पता होता है बट but... जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डिवाइस को किस कैटेगरी में रखना है इनपुट में रखना है या आउटपुट में रखना है अब देखो इनपुट डिवाइस को हम स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जो इस चैप्टर में आपकी बुक में मेंशन है इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं ठीक है ठीके? बहुत लंबी लिस्ट होती है इनपुट डिवाइस की क्लियर सो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में इस चैप्टर में आपने किसको देखा सो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो कौन से होते हैं की और माउस जिसका जनरली हम यूज करते हैं की एंड माउस आर मोस्ट कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं टेक्सुअल डेटा इनपुट करते हैं माउस के थ्रू हम पॉइंट करते हैं किसी भी चीज को किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं स्टाइल पेन आपको यह पेन दिख रहा है जिसकी मदद से मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कुछ राइट करके बता रही हूँ राइट right? इस पर्टिकुलर बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर तो ये एक स्टाइलस पेन होता है जिसके थ्रू आप इनपुट करते हो ओके नाउ स्कैनर स्कैनर सभी को अच्छे से क्लियर है स्कैनर के थ्रू हम कोई भी इमेज को स्कैन करवाते हैं डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है ड्रम स्कैनर बारकोड रीडर जॉयस्टिक माइक्रोफोन लाइट पेन ठीक है अब ड्रम्स ड्रम स्कैनर क्या है स्कैनर का एक टाइप है इसमें फ्लड बेड स्कैनर भी आ जाता है ओके बारकोड रीडर भी स्कैनर का ही एक टाइप है आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा है ना बारकोड रीडर के थ्रू क्या होता है आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं एक हैंडहेल्ड डिवाइस होता है थिक और थी लाइन होती है प्ले स्टेशन पर आपने देखा एक हैंडल डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन पे मूव कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो माइक्रोफोन वॉइस ऑडियो के फॉर्म में यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट करना है तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं जैसे स्टालस पेन होता है वैसे लाइट पेन भी होता है लाइट पेन की मदद से भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ड्रॉइंग वगैरह क्रिएट कर सकते हो कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो है ना सो so, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस किए बेसिकली इस चैप्टर में अब इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से डिटेल में ताकि इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो अब देखो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में आप कैसा भी डेटा इनपुट कर सकते हो कैसा भी डेटा डेटा का मतलब समझ में आता है कैसा भी डेटा इन द सेंस कि आप टेक्सुअल डेटा इनपुट कर सकते हो आप वॉइस के फॉर्मेट में डेटा इनपुट कर सकते हो आप इमेज ग्राफिक्स के फॉर्मेट में डेटा इनपुट कर सकते हो है ना साथ ही आप अपने सेंस ऑर्गन लाइक हम बात करें रेटिना स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो थम प्रिंट स्कैनर स्कैन करके आप कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो तो एवरी टाइप ऑफ डेटा वी कैन एंटर इन द कंप्यूटर सिस्टम और जिसके लिए डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेज का यूज किया जाता है ओके okay, जो आपकी बुक में जितने अभी मैंने बताए उतने ही मैंशन है राइट इसके अलावा भी यदि हम बायोमेट्रिक सेंसर्स की बात करते हैं तो उनकी मदद से भी आप क्या करते हो सेंस ऑर्गन को जो ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें हम स्कैन करते हैं आपने देखा होगा आधार कार्ड के लिए आप जाते हो है ना uh, कोई भी वेबसाइट जहां पे आधार कार्ड वगैरह बनता है आप एमपी ऑनलाइन वगैरह जाते हो तो वहां पे आपका थम या फिंगर्स को स्कैन करके लिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है रटीना स्कैन करके ली जाती है मतलब एक पर्सन का सेंस ऑर्गन को आप क्या कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन uh, uh, के लिए स्कैन कर रहे हो तो वो जो भी आप स्कैन कर रहे हो ना वो सब कैसे जा रहा है डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट हो रहा है ओके okay? तो डिफरेंट टाइप का डेटा हम कंप्यूटर सिस्टम से इनपुट करवा सकते हैं ओके इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज यूज होते हैं

इसी तरीके से कीज इसमें अरेन्ज होती हैं जनरली तो कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप की कीज होती है अल्फाबेटिकल कीज होती है न्यूमारिक कीज होती हैं एरो कीज होती हैं कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, राइट जैसे कि shift, alter, control, delete, कुछ सिंबल्स होते हैं, वाले, okay, इसी तरीके से अल्फाबेटिकल कीज़ होती न्यूमेरिक कीज होती है जीरो टू नाइन न्यूमेरिक कीपेड इसमें राइट right साइड में होता है जहां से आप नंबर्स को एंटर कर सकते हो साथ ही यहां पे आप देखते हो की में तीन स्पेशल कीज होती हैं जिन्हें हम टॉगल कीज के नाम से जानते हैं जिसमें कैप्सलॉक नमलॉक और स्क्रोल uh, लॉक आता है ठीक है उसके बाद कुछ स्पेशल कीज जैसे स्पेस बार वगैरह पैश डाउन अप डाउन वगैरह होता है इंसर्ट डिलीट ये जो कीज़ हो गई आपकी स्पेशल कीज़ हो गई तो कीबोर्ड में इतने डिफरेंट टाइप की कीज़ होती है जिसे हम पार्ट बी में

पार्ट बी यूनिट टू सेशन वन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके okay? समझ में आया सो so, अभी फिलहाल इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना बताना है कि कीबोर्ड एक मोस्ट पॉपुलर इनपुट इनपुट डिवाइस है है को करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें बहुत सारी कीज अवेलेबल होती आजकल different, different है आजकल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के की अवेलेबल है राइट आप चाहो तो वायर्ड की का भी यूज कर सकते हो वायरलेस की का भी यूज कर सकते हो ओके नाउ माउस अब माउस क्या हुआ माउस भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड Pointing input device है कौन सा pointing input device. किसी भी object को सिलेक्ट करना है किसी icon को को करना करना है किसी option को select करना है किसी किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है आपको तो आप किसका यूज करते हो ये सिलेक्शन का काम बेसिकली कैसे करते हो सिलेक्ट करके इनपुट कैसे देते हो कंप्यूटर सिस्टम तक माउस के थ्रू सो इट इज एन इनपुट डिवाइस जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस यू सिलेक्ट एंड मूव दी आइटम्स ऑन दी स्क्रीन कर्सर आपका स्क्रीन पर मूव कर रहा है तो मूव कब करता है जब आप माउस को मूव करते हो तब है ना सो माउस में क्या होते हैं दो बटन होते हैं जिन्हें हम लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक के नाम से जानते हैं और लेफ्ट क्लिक को आप अगेन इन अगेन यूज करते हो बार बार क्योंकि मोस्ट और राइट क्लिक जो होता है लेफ्ट माउस बटन इज यूज मोर फ्रीक्वेंटलीफ्ट क्लिक सिलेक्शन आइटम वाइल क्लिकिंग ऑन द आइटम एक्टिवेट्लीकेशन सिंगल क्लिक करते हो तो क्या होता है कोई भी आइटम सेलेक्ट होता जाता है डबल क्लिक करते हो तो कोई फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है सो so, इसे भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी में पूरी डिटेल के साथ कितने टाइप के माउस होते हैं क्या होते हैं ठीक है so, सो पार्ट बी में इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका इस पर बेस्ड है ओके नाउ स्टाइलस वॉट इज स्टाइलस ये जो पेन आपको दिख रहा है ना, इसी को हम स्टाइलस भी कहते हैं ओके okay, या फिर आपने जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं टैबलेट्स वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा पेन साथ में आता है है ना किसके लिए आता है कि आप उसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो राइट सो अ स्टाइलस आल्सो कॉल्ड एज टच पेन

कंप्यूटर डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस लैपटॉप्स पे आ, हम बोल सकते हैं जो स्क्रीन टच स्क्रीन होती है ना वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो ओके नाउ स्कैनर इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कंस टेक्स्ट इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली अब स्कैनर का नाम से समझ में आ रहा है स्कैन करना कोई भी टेक्स्ट इमेजेस को विदाउट टाइपिंग आप यदि एज इट इज पिक्चर को इमेज को या टेक्स्ट को कंप्यूटर सिस्टम तक स्कैन करवाना चाहते हो तो यहां पर हम ऑप्टिकली स्कैनर क्या करता है ऑप्टिकली मतलब एक लेजर लाइट के फॉर्म में ही स्कैन करता है सारी पूरे कंप्यूटर जो भी आप टेक्सचुअल डेटा ग्राफिक वगैरह देने वाले उसको और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है इनपुट करता है सो द स्कैन डेटा इज देन कन्वर्टेड इंटू डिजिटल इमेज एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम फिर वो जो भी आपने स्कैन किया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम तक डिजिटली पहुंचता है क्यों क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जिन सिग्नल्स को समझता है वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ओके डिजिटल सिग्नल्स मतलब यहां पर हम बात कर करें

थ्री टाइप के स्कैनर हमने इस चैप्टर में देखे जिसमें पहला स्कैनर है ड्रम ड्रम स्कैनर स्कैनर मतलब यहां पर जो भी पेज पर है जो भी इमेज है ग्राफिक है 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 डेटा वो स्कैन होता स्कैनर के थ्रू ठीक तो कैसे स्कैन होता है स्कैनर में ठीक है वो ड्रम कैसा होता है सर्क्यूलर होता है सिलेंड्रिकल टाइप होता है ड्रम जब रोटेट होता है तो पेज पे जो भी लिखा हुआ है जो भी इमेज है वो स्कैन होकर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है ठीक है सो दिस इज मोस्ट एफिशियंट एंड एक्सपेंसिव स्कैनर याद रखना It uses a rotating glass drum to scan. कैसा होता है वो ड्रम ग्लास ड्रम होता है रोटेट होता है ना तो रोटेशन के साथ इंडस्ट्री में टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस इन द बुक्स एंड द मैगजीन्स जो बुक्स मैगजीन्स होती है ना उसमें यदि कोई अच्छी सी इमेज दिखती है आपको तो वो इमेज स्कैन होकर कहा से आती है ड्रम स्कैनर से स्कैन की जाती है क्यों क्योंकि एक हाई क्वालिटी इमेज यदि आपको चाहिए बेसिकली इसका यूज होता है पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में जो बुक्स मैगज़ीन्स वगैरह छापते हैं ना उनको यदि हाई क्वालिटी इमेजेस छपनी है र, अपनी बुक मैगजीन्स में रखनी है तो वो इसी स्कैनर का बेसिकली यूज करते हैं ठीक है सो ड्रम स्कैनर क्या होता है एक्सपेंसिव होता है बट एफिशियंट होता है

प्रोटेक्टिंग द ग्लास विंडो ग्लास विंडो होता है उसके ऊपर आप पेपर रखते हो पेपर में जो भी इमेज ग्राफिक्स है जो भी टेक्स्ट है वो स्कैन होता है ओके फ्लिप कवर आप उसके ऊपर रख देते हो इन फ्लैट बेड स्कैनर ऑब्जेक्ट टू बी स्केंड

क्योंकि ये जो स्कैनर होते हैं वो साइज में भी छोटे होते, होते हैं कम एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू तो ड्रम स्कैनर और इजीली आप इसमें स्कैनिंग करवा सकते हो ठीक है और इसमें जो ऊपर का फ्लिप कवर होता है वो प्रोटेक्ट करता है ग्लास विंडो को क्लियर अच्छे से नेक्स्ट कैसे दिखते हैं फ्लैट बेड स्कैनर ये देखो इस तरीके से शो होते हैं और ये स्कैनर आजकल प्रिंटर के साथ भी अटैच्ड आते हैं देखा ना आपने लेजर प्रिंटर के साथ में फ्लैट बेड स्कैनर्स बैठे चाहते हैं जिसमें आप फोटोकॉपी भी, भी करवा सकते हो ज़ेरॉक्स भी करवा सकते हो कोई इमेज को स्कैन भी करवा के सिस्टम तक पहुंचा सकते हो ओके नेक्स्ट इज हैंडहेल्ड स्कैनर अब देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है हैंड

ठीक है जो क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को इमेज को स्कैन कर रहा है और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहा है इस तरीके का स्कैनर आपको दिखता है है ओके नाउ इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल वो है बारकोड स्कैनर जो आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा है ना बारकोड स्कैनर ठीक है जब आप बिलिंग के लिए जाते हो तो वहां पे बारकोड स्कैनर होता है जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है जितना भी आपने परचेसिंग किया हर एक प्रोडक्ट पे बारकोड होती है थिक थी लाइन

ठीक है ये जो दिख रही है इनके नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स के इन लाइंस को ये जो थिक थिन लाइंस है इसको रीड करना इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन होती है कब मैन्युफैक्चर हुआ ठीक है क्या इसका प्राइस है क्या एक्सपायरी डेट है 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 ना ओवरऑल ओवरऑल जो इसका प्राइस 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 सेलिंग क्या परचेसिंग सारी डिटेल इन में रहती है। और इसको रीड करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाने के लिए जिस हैंडल डिवाइस का यूज करते हैं वो बारकोड रीडर होता है जनरली सभी ने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में ठीक है तो ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है ओके सो अब बारकोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स

एंड अलाउज द यूजर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बेसिकली आपने टीवी का रिमोट कंट्रोल देखा है रिमोट कंट्रोल को स्पेसिफिकली हम जॉयस्टिक का नाम दे सकते हैं जो रिमोट कंट्रोल होता है जिसमें बटन लगे होते हैं जिनके फॉर्म में आप चैनल को अप डाउन करते हो वॉल्यूम रेस करते हो है ना कम करते हो राइट right? तो जिस तरीके से आप रिमोट कंट्रोल का यूज करते हो बिल्कुल तरीके से जॉयस्टिक भी होता है एक हैंडल डिवाइस होता है कुछ इस तरीके से आपने प्ले स्टेशन में देखा होगा इसमें कुछ बटन्स लगे होते हैं जिनको प्रेस करते हो आप है ना मूव करते हो तो कर्सर जो होता है स्क्रीन पर ठीक है जो भी आप गेम प्ले कर रहे हो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है डायरेक्शन बेसिकली हम उसे देते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन जम्प करना है क्या करना है फाइन So, it is normally used in gaming centers of uh, playing games. It has a move which rests on base with some push buttons on.

इसका यूज करते हैं सो इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज़्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू टू द कंप्यूटर जनरली एज अ डॉट वेव फाइल्स अब ये जो वॉइस है जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कंप्यूटर सिस्टम तक ये एक फाइल के फॉर्मेट में जा रहा है जिसे सेव किया जाता है एक एक्सटेंशन डॉट वेब फाइल्स के फॉर्म में मतलब यदि जब आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करते हो तो डॉट डी ओ सी सेव से होती है इसी एक्सटेंशन से सेव होती है ना प्रेजेंटेशन बनाते हो डॉट पीपीटी सेव से होती है बिल्कुल उसी तरीके से यदि वॉइस आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कंप्यूटर सिस्टम में वो कैसे स्टोर होती है वो एक डॉट वेव एक्सटेंशन फाइल के साथ में स्टोर होती है सो माइक्रोफोन इज कॉमनली यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग एंड साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम्स So, कहां कहाँ माइक्रोफोन का यूज हो रहा है ये अभी हमने देखा जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो या आपको कोई साउंड रिकॉर्ड करनी होती है जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम देखते हैं सो so इस तरीके का माइक्रोफोन होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं ओके okay? जैसे so, मैंने भी माइक्रोफोन लगा रखा है मेरी वॉइस तभी तो आप तक पहुंच रही है समझ में आई मेरी बात अच्छे से ओके okay, तो माइक्रोफोन का क्या यूज हुआ वॉइस को रिकॉर्ड करना कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट करना किसी भी तरीके की साउंड को रिकॉर्ड करना ओके okay, तो साउंड इनपुट के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफोन का नेक्स्ट इज लाइट

ओके okay, स्टाइल की तरह ही होता है जैसे मेरे हाथ में ये ये पेन पेन है है लाइट इसके थ्रू मैं इनपुट कर पा रही हूँ एक टच स्क्रीन व्हाइट बोर्ड पे टच करके या कुछ इमेज ड्रॉ करके या टेक्स्टुअल इनपुट प्रोवाइड कर पा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से बेसिकली इस लाइट पेन को कौन यूज करते हैं इंजीनियर्स फैशन डिजाइनर्स यूज करते हैं जिनको हाई क्वालिटी की इमेजेस ड्रॉ करनी होती है मैप्स ग्राफ्स बनाने होते हैं ओके सो इट अलाउस यूजर टू पॉइंट ऑन डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स ऑन ड्रॉ और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन या तो आपको कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है या स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है सो so इसके लिए यूज किया जाता है लेकिन आजकल तो टैबलेट जो फोन आते हैं ना उनके साथ में भी ये लाइट पेन अवेलेबल होता है ओके okay? तो जनरली हम इसका यूज करते हैं क्लियर सो नाउ यहाँ पे फिनिश हुआ आपके इनपुट डिवाइसेज अब यदि आपको इमेज इनपुट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वैपकेम का भी यूज करते हैं जो आपकी बुक में मैंशन नहीं है बट वैपकेम इज अनादर इनपुट डिवाइस ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं ओ सी आर ये सारे भी इनपुट डिवाइसेज होते हैं ठीक है जिनके तो आप दिफ्रेंग 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 का तक पहुंचा सकते हो। so अभी हमने सारे input devices को देख लिया कि कौन-कौन से input devices होते हैं और क्या इनका काम होता है। Exam में question आता है में आता राइट शॉर्ट नोट ऑन जॉयस्टिक राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइट पेन ओके तब आपको क्या लिख कराना है आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? नाउ आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं मॉनिटर्स प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स मॉनिटर

तो वो आउटपुट हमें स्पीकर के थ्रू मिलता है तो साउंड आउटपुट के लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं लार्ज डिजाइन के लिए यदि आपको बड़ी बड़ी डिजाइन निकालने ग्राफ चार्टे को प्रिंट करवाना है सो so हम प्लॉटर्स का यूज करते हैं तो प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही एक प्रिंटिंग डिवाइस होता है जो हमें आउटपुट देता है फाइन इसके अलावा भी आउटपुट होते हैं जैसे हम बात करें प्रोजेक्टर्स की तो प्रोजेक्टर्स भी क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस ही होते हैं ना स्मॉल जो इमेज होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही है उसको बिग करके एक लार्ज व्यू में आपको शो करते हैं तो प्रोजेक्टर भी क्या हुआ आउटपुट डिवाइस में तो जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइसेज रिजल्ट आपको शो है वो सभी आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं अब कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं ठीक है कौन कौन से प्लॉटर्स होते हैं अब उनको हम डिटेल में देख लेते हैं ओके सो so ये सारे भी कंप्यूटर के के अंदर ही आते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी डिवाइसेज होते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए हम मॉनिटर और यूज करते हैं so, are, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले मॉनिटर मॉनिटर क्या हुआ इट इज मोस्ट कॉमन और पॉप्युलर आउटपुट डिवाइस इट इज ऑल्सो कॉल्डियो देखो अब मॉनिटर को सब जानते हैं ठीक है मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस हमको सबको पता है हमारे की जो आपका मोबाइल फोन होता है उसमें भी आप स्क्रीन देखते हो ठीक है आप यदि लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वहां भी आपको स्क्रीन दिखती है यदि आप पीसी यूज कर रहे हो तो वहां भी आपको मॉनिटर शो होता है ना स्क्रीन शो होती है जिसपे आप क्या करते हो आउटपुट देखते हो ठीक है कोई भी इमेज के फॉर्मेट में टेक्सचुअल फॉर्मेट में सो so, बेसिकली इसे हम किस नाम से जानते हैं वीडी के नाम से जानते हैं ये नहीं पता था ना सो so, ये पता कर लो कि मॉनिटर को हम वीडियू के नाम से जानते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म भी याद कर लो जो विजुअली स्क्रीन पर आपको क्या होता है टेक्सचुअल इमेज के फॉर्मेट में जो डेटा डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर होता है ओके, सो एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर जस्ट लाइक अ टेलीविजन मॉनिटर आल्सो डिस्प्लेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, जैसे कि टेलीविजन पे आपको सारी इमेजेस वगैरह पिक्चर्स वगैरह दिखती है बिल्कुल उसी तरीके से मॉनिटर भी आप इमेजेस वगैरह देख सकते हो इस तरीके का मॉनिटर शो होता है सभी को क्लियर है फाइन अब बात आती है कि मॉनिटर पिक्चर को कैसे डिस्प्ले करता है तो मॉनिटर्स पे जो स्क्रीन पर जो पिक्चर्स आपको दिखती हैं जो टेक्सुअल डेटा वगैरह जो भी सारी चीजें आपको शो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है वो स्मॉल स्मॉल टाइनी डॉट्स से मिलकर बनी होती है और उन्हीं डॉट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं उन्हीं डॉट्स के कलेक्शन से या उन्हीं डॉट को हम पिक्सल्स कहते हैं ओके okay, तो जो भी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है और जितनी ज्यादा क्लोज ये पिक्सल्स होती हैं उतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेज आपको शो है ओके सो मॉनिटर डिस्प्ले पिक्चर्स बाय डिवाइडिंग द डिस्ट स्क्रीन इनटू थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ माइनियर डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स

टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से सीआरटी मॉनिटर एंड यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं आप किस को फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को ठीक है सीआरटी मॉनिटर्स कौन से हो गए सीआरटी मॉनिटर्स जिसको हम बोलते हैं ट्यूब मॉनिटर के नाम से भी जैसे पहले के जमाने में जो टेली टेलीविजन हुआ करती थी उसमें जो पिक्चर ट्यूब होती थी जिसकी वजह से टेलीविजन जो टीवी आपका जो क्या होता था बहुत बड़ा एक डब्बे साइज का शो होता था राइट उसमें पिक्चर ट्यूब उस, यूज होती थी वैसे पहले जो मॉनिटर यूज हुआ करते थे वो सीआरटी मॉनिटर थे जिसमें कैथोड रे ट्यूब यूज हुआ करते थे जो बल्कि इन साइज और बिग इन साइज होती थी ओके समझ में आया अब उन मॉनिटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है आजकल ट्रेंडिंग जो मॉनिटर्स है वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर्स तो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में क्या आ गए आपके एलईडी एलसीडी मॉनिटर्स आ गए जो जिन

क्लियर? सो so, आप डिस्कस कर इनको डिटेल में कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर फुल फॉर्म आएगा तो याद कर लेना कैथॉड रे ट्यूब जैसे पिक्चर ट्यूब होती है टेलीविजन में पहले के टेलीविजन में बिल्कुल उसी तरीके से कैसे दिखते हैं इस तरीके से दिखते हैं यही सीआरटी ट्यूब यहां लगी होती है जो इस फॉर्मेट में होती है ओके बल्कि बल्कि होते हैं ये मॉनिटर्स एक टेबल पे रखे जाते हैं प्रॉपर इसको आप वॉल पे माउंट नहीं कर सकते हो क्लियर और साइज में भी क्या होते हैं बल्कि होते हैं और इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं वो लो होती है एज़ कंपेयर टू एलसीडी एलईडी मॉनिटर्स ओके सो इन दिस मॉनिटर्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट अप द पिक्सेल्स और फॉस्फोर डॉट व्हिच फॉर्म द इनर कोटिंग ऑफ द स्क्रीन

ओके okay. किसका यूज करते हैं सीआरटी मॉनिटर्स में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट का यूज किया जाता है यहां पर यूज किया जाता है लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन बी माउंटेड ऑन वर्ल्स में अवेलेबल है, इंचेस, इंचेस, इंचेस okay. so, है? है कि पिक्चर किस टेक्नोलॉजी की मदद से सीआरटी पर डिस्प्ले हो रहा है एलसीडी मोनिटर पर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है पिक्चर्स को इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए है ना तो सीआरटी मोनिटर में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट का यूज किया जा रहा है यूज किया जा रहा है एलसीडी यूज किया जा रहा है लिक्विड क्रिस्टल्स का लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी होती है ओके नाउ दे डिस्प्ले इमेजेस एंड रिक्वायर लेस पावर टू रन मॉनिटर में ज्यादा पावर की जरूरत होती थी इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए लेकिन यहां पे कम पावर की जरूरत होती है शार्प इमेजेस आपको डिस्प्ले होती है आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन

थीनर एंड लाइटर इन वेट बिल्कुल एल सी डी मॉनिटर की तरह फ्लैट होते हैं थीनर होते हैं और वेट भी इनका क्या होता है एज कंपेयर टू सी आर टी लाइट होता है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एलईडी डिस्प्ले इज दैट इट कंज्यूम्स लो पावर दैन एल सी डी लो पावर लेते हैं विच इज स्पेशर हैंड हेल्ड एंड चार्जेबल डिवाइसेज सच एज मोबाइल फोन्स टेलीफोन वॉचेस गेमिंग डिवाइसेज लैपटॉप ओके सो एलईडी मॉनिटर्स क्या हुए कैसे इसमें इमेज डिस्प्ले हो रही है कैसे दिखते हैं है ना बेसिकली यही आपको लिख कर आना है क्या इसका फुल फॉर्म है सो so, अब होप यदि एलसीडी एलईडी सीआरटी मॉनिटर आ जाता है तो आप लिख कर आ सकते हो आंसर ओके नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस या नेक्स्ट मॉनिटर का हम टाइप देखें तो वो है टच स्क्रीन मॉनिटर टच स्क्रीन देखो टच करके आप इनपुट भी दे सकते आप, हो ठीक है आपने देखा होगा एटीएम मशीन से अपना अपना मोबाइल फोन सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन जो होते हैं उसमें आप टच करते हो है ना तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है ठीक है अब यदि इसी तरीके से आपको टच करके कोई आउटपुट मिल जाए लाइक एटीएम मशीन का हम एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है मॉनिटर्स जो होते हैं ए टी एम मशीन में जो लगे होते हैं मॉनिटर्स वो क्या हो गया टच स्क्रीन मॉनिटर ही तो होते हैं जहाँ पे आपको अपना अमाउंट विजिबल हो जाता है ठीक है जो आपको देखना है आपको कुछ कैश विड्रॉल करना है डिपॉजिट करना है तो सारा जो आउटपुट है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में कहा

समझना और या प्लास्टिक का स्ट्राइक करता है. करने के थ्रू ही पेपर पर प्रिंटिंग होती है तो जब पेपर पर कोई चीजें स्ट्राइक कर रही है रिबिन पर कुछ चीजें स्ट्राइक हो रही है स्ट्राइक होने पर जब प्रिंटिंग हो रही है मतलब स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म जहां हो रहा है तो वो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ठीक है ठीके? और इसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पे कोई भी स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं अब इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है ज्यादा नॉइज ही होते हैं नॉइज भी क्रिएट करते हैं स्ट्राइकिंग की आवाज़ आती है जैसे टाइप राइटर आवाज़ आती है ना खच खच बिल्कुल उसी तरीके से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं ज़्यादा नॉइसी भी नहीं होते हैं और फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर तो यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर दिया किस मेकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए वो भी हमने देख लिया वो भी समझा दिया अब इनकी फर्दर कैटेगरी देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में एक्चुअल ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और नॉन इम्पैक्ट में ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जिसमें स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं होता है ठीक है, so, यहाँ पे क्या यूज होता है स्ट्राइकिंग नहीं होता है, so, तो okay? so, so, आपके इंपैक्ट प्रिंटर में आपके आते हैं डेजी विल ड्रम प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर लाइन प्रिंटर ओके और इम्पैक्ट प्रिंटर को हम जानते हैं दो नाम से कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी और लाइन प्रिंटर के नाम से भी सो so, यहां पे ध्यान से देखो इंपैक्ट प्रिंटर

इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रिंटर पढ़ना है जिनका नाम कैरेक्टर प्रिंटर्स भी है बेसिकली इनको हम जानते हैं डेजी विल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के नाम से ओके सो डेजीविल प्रिंटर क्या हुए डेजी फूल आपने देखा है ना फ्लावर देखा है उसमें जो पेटल्स होती है फ्लावर्स की वो कैसी फैली हुई होती है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इस प्रिंटर में एक व्हील लगा होता है ओके उस व्हील में पिंस लगी होती है क्या लगी होती है ये एक व्हील होता है इस व्हील में बहुत सारी पिंस पास पास लगी होती है ठीक है और हर एक इन पिंस पे क्या होते हैं हर एक पिंस पे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स लिखे होते हैं कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ओके okay? इस तरीके से एक व्हील लगा होता है इस व्हील पे पिंस लगी होती है और पिंस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं तो जब ये व्हील रोटेट होता है क्या होता है जब ये व्हील रोटेट होता है तो ये व्हील के रोटेशन के साथ में रिबन पे स्ट्राइकिंग होती है और पेपर पे प्रिंटिंग होती चली जाती है ओके okay, समझ में आया so, सो यहाँ पे एट अ टाइम कुछ कैरेक्टर्स को ही प्रिंट किया जा सकता है सो दे प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स

कैरेक्टर प्रिंट करते हैं आजकल तो हमें फास्ट स्पीड प्रिंटर चाहिए ना जो जल्दी से पूरा पेज प्रिंट करते हैं आप कितने कैरेक्टर 60 cps से 120 ट्वेंटी कैरेक्टर पर सेकेंड तक ही प्रिंट करते हैं ओके सो क्लियर हुआ और यहाँ पे जो क्वालिटी होती है ना पेपर पे प्रिंटिंग की वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है तो हम वही प्रिंटर अफोर्ड करेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो कलर भी प्रिंट कर सके राइट ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स ही होते हैं ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस में आ गए आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपके इसी में ही आ गए है ना किसमें कैरेक्टर प्रिंटर में तो डॉट मैट्रिक्स नाम से समझो जब आपको प्रिंटिंग कुछ इस तरीके से डॉट डॉट के फॉर्म में कैरेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं ठीक है सपोज इस तरीके से डॉट डॉट के फॉर्म में जब आपको कैरेक्टर्स शो होते हैं ना तो इन्हें हम क्या कहते हैं कौन से प्रिंटर के थ्रू ये शो होते हैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू कि जो भी कैरेक्टर नंबर अल्फाबेट जो भी प्रिंट हो रहा है पेपर पे वो डॉट डॉट के फॉर्म से इमेज है जैसे आपने पहले के इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे होंगे बिल में जो भी लिखा हुआ रहता है ना एक भी अक्षर भी एक कैरेक्टर भी एक वर्ड भी तो वो डॉट डॉट से मिलकर बना होता है तो वो किससे प्रिंट होता है इसी प्रिंटर की मदद से प्रिंट होता है ओके सो दे आर नॉइजी एंड डू नॉट हैव अ गुड प्रिंटिंग क्वालिटी ये भी नॉइजी होते हैं इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है इसी की मदद से इसने पॉपुलरिटी हो सो बिसाइड टेक्स्ट दे आर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग चार्ट एंड ग्राफिक्स

नॉन इंपैक्ट प्रिंटर अभी इंपैक्ट में हमने कौन कौन से देखे डेजी बिल डॉट मैट्रिक्स अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं होता है कोई प्लास्टिक का रीड राइट हेड नहीं होता है जो कि पेपर पे रिबन पे स्ट्राइक करे और फिर प्रिंटिंग हो यहां पर यूज किया जाता है लेजर लाइट्स का इंक का पेपर पे प्रिंट करवाने के लिए सो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर डू नॉट अलाउ एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग हेड एंड अ पेपर प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता कोई रिबन नहीं लगी होती जिसकी मदद से पेपर पे प्रिंटिंग हो दे डू नॉट स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन देखो

इम्पैक्ट प्रिंटर आपको कलर्ड ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं करते थे बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको कलर्ड ग्राफिक्स भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इंक का यूज किया जाता है लेजर बीम का यूज किया जाता है सो दो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर कैटेगराइज थर्मल प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर हम इसको किस नाम से जानते हैं थर्मल इंकजेट लेजर प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं अब इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर सभी ने सुना है देखा भी है आप स्कूल में ऑफिस में घर में या किसी कैफे वगैरह में जाते हो है ना या कहीं शॉपिंग मॉल्स में जाते हो जहां से रिसेप्शन रेट होती है वहां सब जगह यही लगे रहते हैं ना लेजर इंकजेट प्रिंटर से इसमें सबसे पहले आता है थर्मल प्रिंटर इट यूज अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर

नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर का क्या काम हुआ इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस इमेजेस बाय स्प्रे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर ओके यहां पर इंक की जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो पेपर पे स्प्रे होती है उसके फॉर्मेट में प्रिंटिंग होती है पेपर के ऊपर ठीक है अब ये जो इंक होती है ना यहाँ फॉर्म में भरी होती है कार्ट्रिज 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 में में समझते हो ना प्रिंटर में लगती है है के अंदर टोनर होता उसको रिफिल करवाते हैं हम उसमें इंक फिल करवाते हैं और वही इंक इंक जेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है जिसकी मदद से स्प्रे के फॉर्मेट में टाइनी टाइनी डॉट्स के स्प्रे के फॉर्मेट में पेपर पे प्रिंटिंग होती है सो दे आर वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्राफिक्स हाई क्वालिटी आउटपुट आपको इंकजेट प्रिंटर से मिलता है कलर्ड ग्राफिक्स भी यहाँ से आपको मिलता है सो दे आर चीप एंड आइडल फॉर होम्स एंड ऑफिसेज द कार्ट्रिज इज क्वाइट कॉस्टली यहाँ पे जो कार्ट्रिज होती है ना प्रिंटर तो सस्ता आता है लेकिन इसके अंदर जो कार्ट्रिज होती, होती है उसकी जो रिफिलिंग होती है वो कॉस्टली होती है एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड मोर फ्रिक्वेंटली ओके okay, तो अब नेक्स्ट टाइप का हम प्रिंटर डिस्कस करने वाले हैं वो है लेजर प्रिंटर अब दिस प्रिंटर यूज फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी देखी है लेजर प्रिंटर होता है सो so, यहाँ पे भी वही लेजर बीम लाइट का यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए इट यूज पे किस पाउडर इंक का यूज किया जा रहा है ड्राई पाउडर डिंक का जो कि टोनर में फिल की जाती है और फाइन डॉट मैट्रिक्स पैटर्न में ही प्रिंटिंग होती है सो दिस इज द क्वालिटी आउटपुट और यहाँ पे जो पेपर पे जो क्वालिटी आती है प्रिंटिंग की वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है ओके अब लेजर प्रिंटर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं फाइन इसका भी यूज आपने ऑफिसर्स में स्कूल्स में हर जगह देखा होगा प्रिंटिंग के लिए फाइन अब इसके अलावा एक और ट्रेंडिंग प्रिंटर है जिसका हम यूज कर रहे हैं आजकल ठीक है आजकर, सो उसे हम कहते हैं क्या जल्दी बता दो सभी ने देखा होगा 3D प्रिंटर जो 3D ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है इसी तरीके से 3D प्रिंटर देखा है सभी ने राइट right? अब बाकी जो प्रिंटर्स इम्पैक्ट नॉन प्रिंटर ये सब पेपर पे प्रिंटिंग कर रहे हैं इंपैक्टर इमेज के फॉर्मेट में आपको डेटा डिस्प्ले करते हैं राइट right? लेकिन 3D ग्राफिक्स को प्रिंट करवाना है तो हम 3D प्रिंटर का यूज करते हैं बेसिकली आजकल स्कूल्स में आपने देखा होगा ए लैब का बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि चलन है एटीएल लैब सभी के स्कूल में खुल रही अटल टिंकरिंग लैब जिसमें बच्चे रोबोटिक्स वगैरह ए की जितनी अपलिकेशन

थ्री तो 3D प्रिंटर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि थ्री ऑब्जेक्ट यदि आपको प्रिंट करवाना है तो वो एक प्लास्टिक की फिलामेंट की मदद से वायर टाइप फिलामेंट आती है वो ये नोजल तक पहुंचती है नोजल पे आके वो हीट होती है एक सर्टन टेम्परेचर पे हीट होने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जिसकी मदद से आप जो भी ग्राफिक बनाना चाहते हो जो भी आउटपुट चाहते हो वो इस तरीके से प्रिंट होता चला जाता है ओके, okay? so, okay? so, सो अच्छा so, आप लिख कर आ सकते हो एज ए आउटपुट डिवाइस साथ ही आप यहाँ पे प्रोजेक्टर को भी एक आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में लिख कर आ सकते हो सो so, कितने सारे हमने आउटपुट डिवाइसेस भी डिस्प्ले डिस्कस कर लिए फाइन मॉनिटर प्रिंटर तो है ही साथ ही हमने स्पीकर देखा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपने क्या देखा है? यहाँ डिवाइस मैंने बताया तो स्पीकर तो माइक्रोफोन की मदद से आप क्या करते हो साउंड को इनपुट करते हो स्पीकर की मदद से हम साउंड को आ, सुनते हैं राइट तो स्पीकर क्या हो गए आउटपुट डिवाइस हो गए कुछ इस तरीके से शो होता है राइट right? अब यहाँ पे आप स्पीकर को एज ए आउटपुट डिवाइस ले सकते हो लेकिन जो ईयरफोन्स होती है जो आपके हेडफोन्स होते हैं उसके थ्रू भी तो आप साउंड सुनते हो ना तो वो भी आपके आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं ओके सो स्पीकर कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू साउंड

स्पीकर so, क्या हो गया साउंड आउटपुट डिवाइस हो गया इसी तरीके से माइक्रोफोन हेडफोन्स डिवाइस फ्रॉम कंप्यूटर टू ड्रॉ लाइंस ऑन पेपर विद वन और मोर ऑटोमेटेड फैस ओके दे आर बेसिकली यूज फॉर ग्राफिक एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एट डिजाइन फॉर प्रिंटिंग मैप्स एंड ट्राइम अब देखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जब हमको प्रिंट करनी है मतलब पेपर पे जो प्रिंटिंग हो रही है इसके लिए प्रिंटर यूज हो रहे हैं यदि आपको उससे ज्यादा हाई क्वालिटी की और बड़ी इमेजेस प्रिंट करनी है है ना कुछ कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने मैप्स बनाने ग्राफ्स बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें किसका यूज करना होता है उसके लिए भी हमें यहाँ पे यूज करना होता है एक डिवाइस का जिसे हम प्लॉटर के नाम से जानते हैं बेसिकली ये आपने देखा होगा कहाँ पर जो इंजीनियर्स लोग होते हैं जब वो एक बड़े से पेपर पे या शीट्स वो बोल सकते हैं हम इस तरीके से ये दिख रहा है आपको उस पर मैप ड्राइंग क्रिएट करना होता है फैशन डिजाइनर्स लोग जो बड़ी बड़ी डिजाइन क्रिएट करते हैं ठीक है वो इसी का ही यूज़ करते हैं प्लॉटर का ही यूज़ करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे दो टाइप के प्लॉटर्स होते हैं फ्लैट बेड एंड ड्रम प्लॉटर जैसे हमने ड्रम प्रिंटर देखा ड्रम स्कैनर देखा है ना फ्लैट बेड स्कैनर देखा बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर्स भी होते हैं अब फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है एक टेबल प्लॉटर के नाम से इसको हम जानते हैं जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है ना ये एक फ्लैट बेड प्लॉटर है जहाँ पे ये एक

ड्रम प्लॉटर क्या होता है इसे हम बोलते हैं रोलर प्लॉटर इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम ऑन विच पेपर इज प्लेस्ड ड्रम पर पेपर प्लेस किया जाता है और जब ड्रम रोटेट होता है तो उस पेपर पे ड्रॉइंग होती है यहाँ पर भी एक पेन माउंट होता है पर वो पेन क्या होता है फिक्स्ड होता है जो ड्रॉइंग करता है ड्रम देन रोटेट बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस द ग्राफ ऑन पेपर द पेन माउंटेड ऑन फिक्स ओके मूव हॉरिजोटलीस द पेपर टू क्रिएट पर ड्रॉइंग

ओके okay. जब कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करवाना है तो स्टोर करवाने के लिए हम मेमोरीज का यूज करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं जो कि कंप्यूटर के पेरिफेरल्स कहलाते हैं तो स्टोरेज डिवाइसेस की जब बात आती है तो यहाँ पे कंप्यूटर के पास अपनी मेन मेमोरी होती है दो टाइप की मेमोरी होती है दो टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना कंप्यूटर के पास कौन कौन से पहला होता है आपका मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं दूसरा होता है आपका कौन सा सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसे हम ऑक्जुलरी मेमोरी भी कहते हैं एक्सटर्नल okay, मेमोरी भी कहते हैं मेन मेमोरी में, में लॉस्ट okay, होने के चांसेस भी होते हैं वोलेटाइल मेमोरी भी होती है और कम अमाउंट में डेटा को स्टोर करती है ये रैम कहलाती है लेकिन व्हाट अबाउट जब आपको हाई अमाउंट में डेटा को स्टोर करना है बल्क में डेटा को स्टोर करना है ठीक है और आप चाहते हो कि आपका डेटा वहां परमानेंटली स्टोर रहे तो उसके लिए हम किस पर जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पर जाते हैं ठीक है तो यह, इसी यहाँ इसीलिए यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज को भी क्रिएट किया गया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड डिस्क सीडी रोम फ्लैश ड्राइव्स को ओके सो सी पर डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं है ना पहले जो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन से यूज किए जाते थे मैग्नेटिक टेप फ्लॉपी डिस्क ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थे इनकी कैपेसिटी लेस होती थी ठीक है ये बहुत ज्यादा बिग इन साइज होते थे हम बोल सकते हैं ठीक है थीके?

डेटा को स्टोर नहीं कर पाती और इसका जो साइज होता है वो भी क्या होता है लेस होता है लेस अमाउंट में लेस कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की यही रीजन है कि हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और जब बल्क में डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो हम इन सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं लाइक हार्ड डिस्क सी रोम डीवीडी फ्लॉपी फ्लॉपीडिस्क पेनड्राइव मेमोरी कार्ड ये सभी क्या हो गए आपके सेकेंडरी स्टोरेज हो गए जो बेसिकली डेटा के बैकअप लेने के लिए यूज किए जाते हैं अब इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हार्ड डिस्क ट इज मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट इज कॉल्ड एच डी और एच डी टी डिस्क और विचेस्टर डिस्क देखो

सर्कुलर प्लेट्स मतलब सर्कुलर डिस्क होती है एक से ज्यादा सर्कुलर डिस्क का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे शो रहा है ना ये सर्कुलर डिस्क है इसके नीचे जैसा ये? ये इस दिख रहा है तो ये सर्कुलर डिस्क भी क्या करती है रोटेट करती है और रोटेशन के फॉर्मेट में इसमें डेटा स्टोर होता है ठीक है तो सर्क्युलर प्लेट्स आपकी ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है क्योंकि डेटा कहाँ स्टोर होता है ट्रैक सेक्टर में स्टोर होता है ओके और स्टोर करने के लिए डेटा रीड राइट करने के लिए परमानेंट यहां पर यूज होता है एक हेड जिसे हम कहते हैं रीड राइट हेड क्या है ये ये आपका रीड रीड राइट राइट हेड जो कि पर डेटा डेटा को को ट्रैक सेक्टर में को राइट करने में करने हेल्प करता है हो गई आपकी स्पिंडल मोटर जिस पर आपकी जो सर्कुलर प्लेट्स है ना डिस्क की जो ये सर्कुलर प्लेट्स हैं जिस पर डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होती है और इन सर्कुलर प्लेट्स को क्या बोलते हैं प्लेटर कहते हैं सो so, तीन चीजें हार्ड डिस्क में इंपॉर्टेंट है क्या सर्कुलर प्लेट्स जिन्हें कहते हैं स्पिंडल मोटर जिस पे प्लेट्स अटैच होती हैं मूव करती हैं रोटेट करती हैं और रोटेशन के साथ इन प्लेट्स में ट्रैक्स और सेक्टर्स क्रिएट होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है डेटा स्टोर करने के लिए रीड राइट हेड का यूज किया जाता है ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो आप सभी ने अच्छे से समझ में आ गया होगा कभी देखना सिस्टम खोलकर सीपीयू खोलकर तो आपको हार्ड डिस्क वहां पर इसी तरीके से मिलेगी ओके सो हार्ड डिस्क इज मेडअप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स समझ में आया इट रिक्वायर्स टू रीड राइट हेड ऑन वन फॉर ईच साइड जो सर्कुलर प्लेट है दोनों साइड पर डेटा स्टोर होता है तो दोनों साइड पे रीडराइट है सेम नंबर डेटा हर प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं ऐसा नहीं किसी प्लेट में ज्यादा ट्रैक सेक्टर है तो कोई डिस्क ज्यादा स्टोर कर रही है और जो सेकंड डिस्क है वो कम स्टोर कर रही है सेम साइज की डिस्क होती है अटैच होती है स्पिंडल मोटर से रीड -right होता है ताकि दोनों साइड डेटा स्टोर हो सके रीड राइट -right हो सके और सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं सेक्टर्स होते हैं जहां पर डेटा स्टोर होता है सो अ ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर ओके okay? सो so, ये समझ में इंटरनल स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन किया है ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है जितना बता रही हूं बस उतना ही याद रखना है हमको क्योंकि यही चीज है कॉमन जो याद भी रखी जाती है और जो लिखने को भी आती है अब हार्ड डिस्क किस मटेरियल से बनी होती है कैसी होती है कितना डेटा स्टोर कर सकती है क्या इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है वो देख लेते हैं सो so, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटीरियल इट इज हार्ड एंड फ्लेक्सिबल हार्ड डिस्क हार्ड होती है क्यों होती है क्योंकि मैग्नेटिक मटीरियल की कोटिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर से और डैमेज होने से ओके इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इट कैन स्टोर अप टू एट टेराबाइट ऑफ डेटा देखो एट टेराबाइट तक आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो और आजकल तो इससे भी ज्यादा की हार्ड डिस्क अवेलेबल है Okay, तो 30 तक भी आपको मार्केट में हार्ड डिस्क मिल so जाएगी जैसे टेक्नोलॉजी जैसे में आते जा रहे हैं, उसी के भी न्यू न्यू देखा जाए तो यहां पे बहुत बल्क में डेटा को आप स्टोर करवा सकते हो आप टेरा आप समझ सकते हो ना कि वन जीबी से मिलकर बनता है क्या वन टेरा तो एट टेरा बता रहे यहां पर कैपेसिटी फाइन क्लियर हुआ सबको अच्छे से याद है ना स्टोरेज कैपेसिटी जब मैंने बताई थी यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें डिटेल में समझाया था प्रीवियस चैप्टर में कि डेटा बिट्स में कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में स्टोर किया जाता है इससे बनता है निबल निबल से बनता है क्या बाइट बाइट से क्या बनता है केवी केवी से क्या बनता है मेगा बाइट मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है गीगा बाइट गीगा बाइट से बड़ा होता है टेरा बाइट देन पेटाबाइट और जोटा बाइट योटाबाइट जियो फोबाइट इज द हाइस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कौन सी जियो पोबाइट ओके, okay. सो so, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इस तरीके से देखोगे डेटा स्टोर हो रहा है ट्रैक सेक्टर्स में वो कितना रोटेशन ले रहा है सो so, आरपीएम करते हैं हम इनका रोटेशन सो फिफ्टी 5400 से 15000 तक एक मिनट में डिस्क रोटेट होती है तो so, सोचो कितनी हाई स्पीड से डेटा स्टोर होता होगा

ओके okay. अब रोम फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी मतलब यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं उन, उन टाइप की सीडीज की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने यदि डेटा लिख दिया डेटा आपने स्टोर कर दिया तो वो वैसा ही बना रहेगा उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो आप ओवर एंड ओवर उसको रीड कर सकते हो फॉर एक्जाम्पल जो मूवीज की सीडीज होती है मार्केट में आपको मिलती है कुछ सॉफ्टवेयर की सीडीज होती है एंटीवायरस वायरस सॉफ्टवेयर की जो सीडीज होती है वो एक ही बार अवेलेबल होती है उसको आप एक ही बार यूज करते हो इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में है ना मतलब आप उसका डेटा ही अगेन इन अगेन रीड कर सकते हो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो सो so, वो हो गई आपकी सी डी रोम इसका एग्जाम्पल हमने इसको कैसे देखा था जब प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था रोम का एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको पढ़े थे ओके नाउ रीड ऑनली मीनस यू कैन नॉट चेंज द प्री रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क डिस्क पे जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो एक बार जो रिकॉर्ड कर दिया जो स्टोर कर दिया वो परमानेंट हो जाता है इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा टुडे मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया आर फाउंड ऑन ओके तो आजकल आप यदि आप देखते हो तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं जो आप सॉन्ग्स मूवीज देखते हो वो काफी हद तक अब तो कम हो गया है लेकिन अभी तक भी आपने देखा होगा तो वो कहाँ पर मिलते हैं हमें सीडीज में ही अवेलेबल होते हैं या फिर आप किसी सिस्टम का ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हो मतलब प्रिंटर यदि अटैच करें तो उसका ड्राइवर भी आपको जनरली कहाँ मिलता है सीडीज में ही मिलता है फाइन

रीड ओनली जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हो ओके सी डी आर डब्ल्यू जिसमें एक बार डेटा यदि आपने लिख दिया तो तो आप आप उसको इरेज करके नया डेटा फिर से आप उसमें स्टोर करवा सकते हो रीड और रीड राइट दोनों तरीके से अवेलेबल होती है ओके सी डी रीड ओनली मतलब जिसमें आप एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल दिस डिस्क कैन रिकॉर्ड डेटा ओनली वंस बट कैन रीड डेटा ओवर एंड ओवर अगेन ओके CD -RW, मतलब कि रीराइटेबल डिस्क होती है इट अलाउज अस टू इरेज एंड प्रीवियस रिकॉर्डेड डेटा जो प्रीवियसली रिकॉर्ड किया उसको इरेज करके आप नया डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो वी कैन राइट न्यू डेटा ऑफ सी डी आर डब्ल्यू डिस्क मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स आप उसमें डेटा को इरेज करके नया डेटा स्टोर uh, करवा सकते हो तो सीडी को हम बर्न कर सकते हैं ठीक है इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है जैसे पहले हम बात करें तो नीरो सॉफ्टवेयर होता था सीडी को बर्न करने के लिए आजकल तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाली मैथड को भी यूज कर लेते हो डिलीट बटन को प्रेस करते हो तो भी सीडी से डेटा डिलीट हो जाता है राइट सो so, सी समझ में आया इसका डिसएडवांटेज क्या था इसका डिसएडवांटेज ये था कि सी में आप एक ही साइड पर डेटा को स्टोर करते हो ठीक है एक ही साइड पर लेकिन डीवीडी की जब हम बात करते हैं तो डी में हम दोनों साइड पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं ठीक है सी डी लेस डेटा स्टोर करता है एस कंपेयर टू डी तो सी डी डीवीडी और आगे जो हम ब्लू डिस्क पढ़ेंगे इन तीनों में जो वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ इनके कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी पर है और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से आप यहां पर डेटा स्टोर कर सकते हो है ना और कितनी क्लैरिटी में यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड होता है विजिबल होता है इस पर डिफरेंस है ओनली ओके सो इनिशियली इट वॉज कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी को आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों नाम से जानते हो ओके द नेम हैट लेटर चेंज इन टू वर्सेटाइल डिस्क

डीवीडी कैन होल्ड अप पॉइंट 4.7 जीबी टू जीबी से लाइक सी डी आल्सो अवेलेबल इन मेनी वर्जन लाइक डीवीडी आर डीवीडी आर डब्ल्यू डीवीडी आर एंड आरडब्ल्यू यहां पर देखो डीवीडी आर में डेटा यदि एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो बार बार डीवीडी आर डब्ल्यू इरेज कर सकते हो डेटा को फिर रिकॉर्ड कर सकते हो मल्टीपल टाइम मेनी टाइम्स ओके जैसा सी डी आर आर डब्ल्यू में था अब यहां पे डीवीडी प्लस आर और आर डब्ल्यू क्या बताया हैव एडिशनल फॉर्मेट्स ये इन दोनों के एडिशनल फॉर्मेट्स के साथ अवेलेबल है नए फीचर्स के साथ अवेलेबल है ओके okay? जिन्हें हम डीवीडी आर आर डब्ल्यू के नाम से जानते हैं फाइन ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क क्या होता है कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज होती है मिनी सीडीज जैसी होती है ब्लू रे डिस्क ओके ब्लू डिस्क आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हाई स्पीड में डेटा को स्टोर करती है बहुत सारी फैसिलिटीज हमें ब्लू डिस्क प्रोवाइड करती है

जो हाई स्पीड सॉफ्टवेयर होते हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं है ना उनकी सीडीज होती हैं कुछ एक्स्ट्रा जिसमें ऑडियो वीडियोस होती हैं हम उसको बोल सकते हैं वहाँ पे आपने इसको देखा होगा ठीक है ब्लू रेड डिस्क को जब आप ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए ब्लू रेड डिस्क अवेलेबल होती है आजकल तो जो आपके बुक के पीछे आपकी जो सीडीज लगी होती है आपने देखा होगा ना कुछ बुक्स होती है उनके पीछे भी सीडीज होती है जिसमें पूरा कोर्स कंटेंट डिटेल होती है वो भी आजकल ब्लू रे डिस्क में ही आने लगा है राइट सो so, ब्लू रे डिस्क को हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एडवांस है इसमें ज्यादा कैपेसिटी में आप डीवीडी से भी ज्यादा डेटा हाई कैपेसिटी में आप स्टोर कर सकते हो रोबस्ट होती है ठीक है जो मटीरियल इसके ऊपर यूज होता है वो भी उसको प्रोटेक्ट करता है बचाता है कि इसके अंदर से डेटा लॉस्ट ना हो राइट अब फ्लैश ड्राइव Flash drive is another type of. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ठीक है सी डी डी देख लिया हार्ड डिस्क देख लिया ओके okay? अब फ्लैश ड्राइव में क्या होता है आपको पावर की नीड नहीं होती कि भाई पावर मिलेगा तभी इसमें डेटा स्टोर होगा इसमें आप परमानेंटली पावर को परमानेंटली uh, डेटा uh, को स्टोर करके रख सकते हो वेल पावर मिले या ना मिले ठीक है मतलब ये एक पेन ड्राइव यूएसबी ड्राइव जो मेमोरी कार्ड होती है ना वो बिल्कुल फ्लैश ड्राइव में ही आती है सो इट इज अ स्मॉल और पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस मेनली यूज टू ट्रांसफर ऑडियो वीडियो एंड डेटा फाइल्स फ्रॉम हार्ड ड्राइव फ्रॉम वन मतलब हार्ड डिस्क में यदि कोई डेटा है उसको आपको ट्रांसफर करना है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो ये एक स्मॉल स्मॉल फ्लैक् डिवाइस है फ्लैश ड्राइव्स है जिनका हम यूज करते हैं ये भी आपको टेराबाइट तक अवेलेबल होती है इट इट इज इज रिमूवेबल एंड द यूएसबी पोर्ट के पीछे आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट होता है लैपटॉप में साइड में होता है सीपीयू में आजकल पीछे मदर बोर्ड में भी होता है और आगे भी आपको कुछ यूएसबी पोर्ट दिए जाते हैं ठीक है थीके? जिसकी मदद से आप डेटा का बैकअप ले सकते हो डेटा को स्टोर करके रख सकते हो परमानेंटली वो भी ह्यूज अमाउंट में राइट right? कुछ इस तरीके से आपने देखा है फ्लैश ड्राइव्स दिखती हैं, तो so, यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पीसीबी प्रिंटेबल सर्किट सर्किट बोर्ड विच कंटेन्स दिस सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड इन साइड अ प्लास्टिक मेटल और रबरिस्ट कैस ओके okay. सो so, जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो यूएसबी ड्राइव्स में वो कैसे प्रोटेक्ट होता है किस तरीके से प्रोटेक्शन उसको मिलती है क्योंकि इसके ऊपर एक केस लगा होता है जिससे आप उसको पकड़ते हो और इजीली लगा सकते हो पोर्ट में और एक्सेस कर सकते हो उसके अंदर डेटा और वही जो केस है वही उसे प्रोटेक्ट करके रखता है डेटा को बचा के रखता है सो so, वो प्लास्टिक का कवर या रबरिस्ट कवर हो सकता है

है ना इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज में आया तो आप हमारी मैग्नेट वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू साथ डॉट मैग्नेट वेबसाइट www.magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो साथ ही प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप के फॉर्म में भी इसे एक्सेस कर सकते हो क्यों क्योंकि मैग्नेट ब्रिंस आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक और साथ ही सीटी ओलंपियाड जे नीट यूपी बिहार बोर्ड ये सारे कोर्सेस की एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद दी हाई क्वालिटी एजुकेशन मतलब यहां आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है कोई भी किसी वीडियो के लिए पेमेंट नहीं करना है ओके okay? आप 100 परसेंट फ्री सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो साथ ही आप हमारे इंस्टा अकाउंट फेसबुक ट्विटर अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हो फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्यों क्योंकि मैग्नेट ब्रेन की मदद से आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा अच्छा कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ टिल देन टिली थैंक यू सो मच